हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रसोई रेखा की में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस रसोई में बनाने जा रहे हैं पोहा। इसे हर राज्य में अलग अलग तरह से बनाया जाता है, जिसे हम नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं। तो पोहा बनाने की पूरी विधि को जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। पोहा से हमने धोकर रखा हुआ है, धनिया पत्ते, कटे हुए प्याज, आलू, मूंगफली, टमाटो प्यूरी, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, पीली सरसों, मसाले में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल गरम करेंगे। और अब तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें पीली सरसों और थोड़े से कड़ी पत्ते भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज भूनेंगे। प्याज भूनने के बाद अब हम इसमें कटे हुए आलू और लहसुन डालकर इन्हें भी भून लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद के लिए आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और हमने जो घिसे हुए टमाटर का प्यूरी बना कर रखा था उसे भी इसमें मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अपने मेन इंग्रेडिएंट को इसमें डालेंगे, जो कि है पोहा। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से पोहे को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पोहे को पकाने के लिए हम इसमें हल्का पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। हमारे इस पोहे के स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम इसमें मूंगफली डालेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती जायके के लिए इसमें डालकर इसे और अच्छे से पकाएंगे और इसे ढक कर रख देंगे। और बस अब आप देख सकते हैं कि हमारे स्वाद से भरे पोहे तैयार हो चुके हैं। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हमने साथ में चाय भी बना ली है। बस अब इन्हें मज़े से खाया जाए। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। हम चाहेंगे आप भी इन्हें घर पे बनाएं और पोहे का आनंद लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।